जिले में नक्सली एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। ताजा मामला जिले के बेलागंज प्रखंड के चाकन थाना क्षेत्र के नौगढ़ गांव का है, जहां रविवार की देर रात नक्सलियों का आतंक देखने को मिला। लॉकडाउन के बीच टीपीसी नक्सली संगठन ने सड़क निर्माण कंपनी के बेस कैंप पर हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हरिलाल यादव से नक्सलियों ने लेवी की मांग की थी। लेवी के पैसे नहीं देने पर रविवार की देर रात टीपीसी नक्सली संगठन के हथियारबंद दस्ते ने बेस कैंप पर हमला कर दिया। वहीं बेस कैंप में खड़ी जेसीबी मशीन को आग के हवाले कर दिया, साथ ही साथ कई बड़े उपकरणों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इधर मजदूर ने जब इसका विरोध किया तो नक्सलियों ने उसे जलती जेसीबी मशीन में फेंक दिया, जिससे मजदूर का हाथ बुरी तरह से झुलस गया। घायल मजदूर को इलाज के लिए स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। गया एसएसपी दीपक कुमार ने बताया कि चाकन में कंस्ट्रक्शन कंपनी पर बीती रात नक्सलियों के द्वारा हमले की खबर मिली थी। उन्होंने बताया कि इस घटना के पीछे की वजह की गंभीरता से आकलन की जा रही है। उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। चाकन में बता रहे हैं, अभी सूचना मिली है कि एक जेसीबी लगी हुई थी वहाँ पे एक ठेकेदार की, उसको आग लगाई गई है और एक पर्चा मिला है, उसका हम लोग वेरिफिकेशन करा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के अनुसार यहाँ पे कोई नक्सली इस तरह का आउटपुट अभी नहीं है, परंतु हम लोग दिखवा रहे हैं कि इसमें क्या है। इसमें टीपीसी नाम की संस्था के उसमें पर्चा डाला है, परंतु मामला थोड़ा सा अलग टाइप का प्रतीत हो रहा है। इसमें पहले पूरी छानबीन हम लोग कर लें, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष में निकल पाएंगे। वरीय पदाधिकारियों को वहाँ जाँच करने के लिए बोला गया है और बाकी सब चीज़ों पर भी अनुसंधान जारी है।